पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज के लिए फेस न्यूज चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। पूर्वी दिल्ली आराम पार्क से फेस ग्रुप के ऑफिस में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। फेस ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी की अध्यक्षता में आपसी सौहार्द को बल प्रदान करने के उद्देश्य को लेकर सजाई गई इस महफिल में सभी धर्मों के जिम्मेदार लोगों ने शिरकत की। गंगा जमुनी तहजीब का बेहतरीन नमूना यहां देखने को मिला। इस महफिल में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग, दिल्ली सरकार के चेयरमैन जाकिर खान, विधायक सुरेश बग्गा एडवोकेट, गाजीपुर मुर्गा मछली मंडी के चेयरमैन भाई मेहरबान कुरैशी, उर्दू अकेडमी दिल्ली के चेयरमैन हाजी ताज मोहम्मद, उर्स कमेटी दिल्ली के चेयरमैन FI इस्माइली, दिल्ली प्रदेश JJ कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद उमर सैफी, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अन्न जात्रे, सर्वोकोन वोल्टेज स्टेबलाइजर के CMD हाजी कमरुद्दीन सिद्दीकी, कथावाचक संत अजय मिश्रा जी महाराज अयोध्या वाले, मशहूर शायरा अना दहलवी सहित और भी बहुत से जिम्मेदार लोग यहां देखने को मिले। इस कार्यक्रम की एक विशेषता यह भी रही कि यहां सभी राजनीतिक पार्टियों व सभी धर्मों के विद्वान एक ही मंच पर नजर आए। फेस ग्रुप की तरफ से इफ्तार रखी गई है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब देखने को मिले हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? डॉक्टर मुश्ताक साहब की तरफ से फेस ग्रुप की तरफ से ये इफ्तार पार्टी रखी गई है, इसे सभी धर्मों की एकता का सम्मेलन है, यहाँ सभी धर्मों के लोगों को बुलाया गया है। इफ्तार का मतलब यह है कि आप जो रोज़दार है वो रोज़ा तो खोलें, साथ में आप किस तरीके से सद्भावना जो हिंदुस्तान के अंदर है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, उसको कैसे ज़िंदा कर रखें। ये एक मौका होता है इफ्तार के कि आप सभी धर्मों के लोगों को बताएं और बुलाएं और कहें कि ये जो इस्लाम मज़हब है वो एकता का मज़हब है, शांति का मज़हब है, ये सभी धर्मों का आदर और सत्कार करता है। इस हिंदुस्तान के अंदर सभी हिंदू मुस्लिम भाई मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ नफ़रत की कोई जगह नहीं है, ना यहाँ किसी तरीके से कोई भेदभाव। अफ्तार के माध्यम से मुश्ताक साहब ने जो ये प्रोग्राम रखा है गंगा जमुनी तहजीब की, एक यहाँ पे यूँ कहिए कि मिसाल मिलती है कि सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर एक दस्तरखान पे एक जगह बैठकर इफ्तार कर रहे हैं, इसकी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा मुश्ताक। नहीं, जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। जिस तरीके से देश में फिरका परस्ती फैलाई जा रही है, ये देशभक्त लोग नहीं हैं, देश विरोधी लोग हैं। जो भी इस तरीके की बात करते हैं वो देशभक्त नहीं हो सकते। एक आतंकवादी होता है जो गोलियां चलाता है, एक आतंकवादी होता है जो बोली चलाता है, जो बोलियों से इंसान को मारता है। एक आतंकवादी तो गोली मार के चला जाता है, एक आतंकवादी बोली बोल के लाखों लोगों का दिल तोड़ कर जाता है, तो वो उससे बड़ा आतंकवादी है। हम तो आज मुख्तार साहब ने, फैज ग्रुप ने जो आज प्रोग्राम रखा है, इनकी शुक्रगुजार हैं। तमाम हिंदुओं को, पंडितों को, मुसलमानों को, तमाम बिरादरी के लोगों को इकट्ठा किया। इस तरीके की मीटिंगें, प्रोग्राम होने चाहिए, रोज़ा इफ्तार होने चाहिए, जहाँ हिंदू भाई आए, पंडित समाज के लोग भी आए, मुस्लिम समाज के लोग भी आए, क्रिश्चन समाज के लोग भी आए। मुख्तार साहब का, इनके ग्रुप का हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार हैं कि जिस तरीके से समय समय पर प्रोग्राम करके देशभक्ति का, एक भाईचारे का मैसेज देते हैं, मैं इनको सलाम करता हूँ। आज का जो प्रोग्राम मुश्ताक भाई ने कराया, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, और यहाँ सारे जितने भी दिल्ली के मशहूर जाने माने लोग थे, सभी लोग यहाँ आए, पत्रकार भी लोग आए, हमारे चेयरमैन मेहरबान साहब आए, और दूसरे जितने भी लोग थे सब यहाँ पहुँचे, और कथावाचक साहब थे, जो हिंदू मुस्लिम सारे मिला के सब बहुत अच्छे इकट्ठे हुए। और एक बहुत अच्छा यहाँ संदेश जाता है कि ऐसे मौके पर जो रमज़ान का जो मुबारक महीना चल रहा है, इसमें सारे लोग मिलकर जो रोज़ा इफ्तार करते हैं, तो एक भाईचारा का संदेश जाता है, और बहुत ज़माने से चला आ रहा है, और इसी तरह से हम लोग मिलजुल के करते चले आ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आगे भी सारे लोग मिलकर चलाते रहें, और हमारा हिंदुस्तान गंगा जमुनी जो तहजीब है ये कायम रहे, ऐसी हम जो है इसकी वो करते हैं। देखिए, ये मुश्ताक साहब ने ये प्रोग्राम रखा था, और इसमें सभी अपने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को संदेश देने के लिए इफ्तार पार्टी रखी गई है। तो अभी देश का माहौल कुछ तथाकथित लोग देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं, और वो हिंदुस्तान को एक तरफा भारत बनाना चाहते हैं। तो हिंदुस्तान के लोग जो है वो एक तरफा भारत नहीं बने देना चाहते हैं, उसी के आज ये मिसाल यहाँ पर आपको देखने को मिली। मुश्ताक भाई की तरफ से, फेस मैगजीन की तरफ से रखा गया है, बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है, और मुश्ताक भाई ने आज ही नहीं रखा, मुश्ताक भाई हमेशा, चाहे वो रोज़ा अफ्तार हो, चाहे वो ईद मिलन हो, चाहे होली मिलन हो या दिवाली मिलन हो, इस तरह के मुश्ताक भाई प्रोग्राम करते रहते हैं, भाईचारे का एक पैगाम देते रहते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सभी को मिलकर करने चाहिए। ये नहीं कि खाली एक मुस्लिम
हिंदू समाज के लोगों को बुला करके पैगाम दें। लेकिन मैं अपील करूंगा हिंदू भाइयों से भी कि वो मुसलमान भाइयों को बुला करके भी इस तरह के पैगाम दें जिससे कि भाईचारा पैदा हो। मुसलमान तो हमेशा भाईचारे की बात करता है, इस्लाम भाईचारे की बात करता है, कोई नफरत की बात नहीं होती हमारे यहाँ। लेकिन हिंदू भाई और थोड़ा सा करीब आए तो मुस्लिम में समझता हूँ कि और ज़्यादा करीब आएगा तो हमारा भाईचारा और भी ज़्यादा बढ़ेगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ मुश्ताक भाई को कि उन्होंने ये आज रोज़ा अवतार करवाया। इसमें हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी ने बहुत प्यार मोहब्बत के साथ में रोज़ा का अवतार किया। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देती हूँ, ये रमज़ान की मुबारकबाद और इतनी खूबसूरत ये महफिल मुश्ताक भाई ने सजाई है और इसलिए भी सजाई गई है। ऐसे तो अवतार तो हम लोग आम तौर पे करते ही रहते हैं और मुश्ताक भाई हर तरीके के इवेंट करते रहते हैं, मगर आज ख़ास तौर पे इसलिए महफिल है कि ये भाईचारे के लिए रखी गई है उन्होंने। और इसमें कितने सारे लोग बुलाए गए, सभी मज़हब के लोग मौजूद हैं यहाँ पर। सब सारे लोगों को इस चीज़ का सबको एहसास है, जो यहाँ कुछ लोग हम लोगों के भाईचारे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं देश के अंदर, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसी महफिलें जुड़ती रहीं और ऐसे ही लोग एक दूसरे से मिलते रहे तो हिंदुस्तान में कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये छोटे छोटे चुटर पुटर जो जहांगीरपुरी टाइप के लोग जो यहाँ पे हो रहे हैं, ये तो सियासत हो है, बहुत थोड़े दिन की बात है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होना होता तो ये फैल भी सकता था, मगर ये कुछ नहीं होगा। और मेरे ख्याल में हमें इसी तरीके से रहना है, यही हिंदुस्तान है, इसी को हिंदुस्तान कहते हैं, है ना। दिल में जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ, सिर्फ अरमान नहीं ईमान भी दे सकती हूँ। मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है ना, मैं तिरंगे के लिए जान भी दे सकती हूँ। देखिए आज रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम डॉक्टर मुश्ताक अंसारी जी ने यहाँ किया है और हम सब लोग यहाँ पर बड़े ही खुश दिल से और खुले मन से यहाँ पर एक साथ आए हैं, क्योंकि एक रमज़ान का एक ऐसा पाक महीना है, ये पावन महीना है कि सब लोग रोज़ेदार इसमें जो है खुदा की इबादत करते हैं, देश में अमन चैन और शांति की, आपस में भाईचारे की इबादत करते हैं। और हम लोग सब लोग गंगा जमनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं, आपस में सब लोग मिलजुल के मानने वाले लोग हैं। ये वही धरती है देश की जहाँ पर हम लोग ईद भी सब लोग साथ मिलके मनाते हैं तो दिवाली और होली भी सब लोग साथ मिलके मनाते हैं और यही परंपरा आगे भी कायम रहेगी। कुछ लोग आज ऐसी देश में ताकतें ज़रूर चल रही हैं कि आपस में इस भाईचारे को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। ये वही ताकतें हैं जो जिस समय अंग्रेज़ों ने देश में जो फूट डालो और राज करो की नीति पर चलने का काम किया था, लेकिन ना तो अंग्रेज़ कामयाब हो पाए थे बहुत दिन तक और इन लोगों को तो कामयाबी मिलेगी नहीं, क्योंकि हम लोगों की आपस में जिस तरह से भाईचारा है, अमन है और एक दिलों में आपस में जो मेल हुआ है, इसको ये जितनी भी फ़र्क डालने की कोशिश करें नहीं होगा। आज सरकारें जो सत्ता पे बैठी हुई हैं कहीं ना कहीं मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कि कहीं जो देश में महंगाई बेरोज़गारी चल रही है उस पर बात ना करें, इसलिए आपस में कहीं ना कहीं लड़ाने भिड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बुलडोज़रों का सहारा लिया जा रहा है। सब लोगों को मालूम है कि बुलडोज़र जो है एक विनाश का प्रतीक होता है, विकास का प्रतीक नहीं होता। कांग्रेस ने और इस देश की जितनी भी उससे पहले सरकारें रही हैं सबने देश में विकास किया है, इस देश को आज़ादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों का समान योगदान रहा है, इस देश को बनाने में सब लोगों को तरक्की करने में विकास करने में सब लोगों का योगदान रहा है। तो ये एक गुलदस्ता है जिसमें सब लोग तरह तरह के फूल हैं और हम लोग सब मिलजुल करके इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। समय के लिए कुछ थोड़ा सा कुछ लोगों के मनों में फ़र्क है, वो भी शरारती तत्व हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि शरारती तत्वों के बहकावे में ना आकर के हम लोग आपस में मिलजुल करके रहें, इसी तरह से देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद। सर आज जो फेस ग्रुप की तरफ से रोज़ा इफ्तार रखा गया, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये मैं फेसबुक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस अच्छे मौके पर जो रमज़ान का बाबरकत महीना है सब लोगों को रोज़ा इफ्तार पर बुलाया। जो हमारे चेयरमैन मुर्गा मंडी के हैं मेहरबान कुरैशी साहब, जाकिर भाई मान्योटी के हैं, ताज भाई उर्दू एकेडमी के हैं और इस्माइली साहब उर्स कमेटी के चेयरमैन हैं, सब लोगों को यहाँ बुलाया। हमारे गोला जी हैं, अत्री जी हैं, हमारे जो हैं कमरुद्दीन भाई साहब हैं और सभी लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम को जो इस तरह से बुलाया है एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है। वैसे तो ये हर साल करते हैं लेकिन इस वक्त इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर खास करके ज़रूरत है ऐसे प्रोग्रामों की कि जो उन लोगों को इस तरह से बुलाया जाए और आपस का भाईचारा बना रहे, और ये बहुत ही नेक काम किया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस्ताद भाई का, इस तरह से इनको प्रोग्राम करते रहना चाहिए। बहुत उम्दा क्वालिटी का प्रोग्राम है, वैसे भी मुश्ताक भाई जो भी प्रोग्राम करते हैं अच्छा ही करते हैं,
लेकिन फेस ग्रुप का ये रोज़ा इफ्तार बहुत अच्छा है, भाईचारे की मिसाल है। और मैं तो मुश्ताक भाई से कहूँगा ऐसे ही प्रोग्राम लगातार करते रहे और फिर हमें एक बार रोज़ा इफ्तार पे बुलाए जिससे कि भाईचारा बना रहे। जय हिंद। आज के कार्यक्रम के लिए मैं सबसे पहले भाई डॉक्टर मुश्ताक अंसारी जी जो हमारे चेयरमैन हैं फेस ग्रुप के, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और इस तरह की रोज़ा इफ्तारी की बहुत ज़रूरत है आज के समय में कि जहाँ देश जो है जल रहा है और जैसे कहते हैं ना कि वो बांसुरी बजा रहा है, हमारा जो राष्ट्र का नेता है वो बांसुरी बजा रहा है, उसको ज़रा सा भी मेरा लोग टूट जाते हैं एक मकान बनाने में और ये तरस भी नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आज का पैगाम हम लोगों ने सब बैठ के दुआ प्रार्थना पूजा अर्चना एक ही चीज़ है, हम लोगों ने ऊपर वाले से यही दुआ करी है कि इस देश में अमन शांति हो, प्यार मोहब्बत हो और सांप्रदायिकता फैलाने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को अलग करने वाले लोगों के साथ हमने एकजुट होकर मुकाबला करना है और आपस में हमें एकजुट रहना है, किसी भड़काने में किसी भ्रम में या किसी ऐसी बात में नहीं आना है जो भड़काने वाली बात हो। हम लोग 800 सालों से एक साथ रहते आए हैं, गंगा जमुनी तहजीब के हम लोग पूरे वाकिफ हैं और हमने अभी तक देश को आगे बढ़ाया है। 70 साल कांग्रेस ने राज किया है और सेकुलर जो इज़म है उसमें हमारा विश्वास है। मेरे साथ जाकिर भाई बैठे हैं, भाई मेहरबान जी बैठे हैं, ये सब लोग एकजुटता की बात करते हैं, ये प्यार की बात करते हैं। भाई अनुज अत्रे जी बैठे हैं, रियासत भाई बैठे हैं, हमारे कमरुद्दीन साहब बैठे हैं, तो ये सब चाहते हैं कि इस देश में अमन शांति हो। इसी के लिए हम लोगों ने एक ताकत जो है अंसारी जी को दी है कि जो आपने बुलाया है एक आवाज़ में, हम लोग एकजुटता के लिए, शांति के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए, भाईचारे के लिए एक हैं और अगर खून भी देना पड़ा इस देश के लिए तो हम देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।